हेलो स्टूडेंट यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल उज्जवल उन्नति आई एम अनिल कुमार फ्रॉम प्लास स्वरूप सरस्वती मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जागीरावत बुलंदशहर इन दिस वीडियो यू आर वाचिंग सैम्पल पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन 2012 सेक्शन बी आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ग्रामर पोर्शन स्टूडेंट्स फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज गिवन डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज वैसा करिए जैसा कि निम्नलिखित सेंटेंस में इंडिकेट किया गया है लॉस हिज ग्रेटिंग सेलर द ग्रीडी क्राइड तो सही करेक्शन होगा फॉर्मेटिंग होगी सही सेंटेंस की फ्रेम होगा द ग्रीडी सेलर क्राइड रिग्रेटिंग पछताते हुए प्रजेंट पार्टिसिप है रिग्रेटिंग हिज लॉस ग्रीडी सेलर क्राइट लालची विक्रेता चिल्लाया रिग्रेटिंग पछताते हुए हिज लोस अपनी हानि पर सेकेंड एवरीबडी नोज हिम चेंज इन टू पैसिव पेस्िव में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट है आपका हिम हिम का सब्जेक्ट ही इज ए नोज नॉन थर्ड फॉर्म नोज की नॉन टू एवरीबडी यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं होगा नॉन अपने साथ टू का प्रयोग लेती है तो सब्जेक्ट ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है इज नॉन टू एवरीबडी थर्ड द स्पीकर सेड फॉरेस्ट प्रिवेंट सोयल एरोजन स्पीकर ने कहा फॉरेस्ट बन प्रिवेंट रोकते हैं सोयल एरोजन भूक्षरण को यानी के मिट्टी के कटाव को रो, रोकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है द स्पीकर सेट फॉरेस्ट प्रिवेंट गिवन इन ब्रैकेट कंप्लीट द सेंटेंस सेंटेंस है माई फादर गो मेरे पिताजी जाएंगे होम घर को वहन द रेन स्टॉप्स जब वर्षा रुकती है यदि पहला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो दूसरा सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन बिलो जो नीचे दी गई है उसमें से सही प्रीपोजिशन भननी है ही हैज़ बीन चार्ज्ड ऑफ थेप्टैप्टिस्ट चोरी का ओफ का प्रयोग होगा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एक सेंटेंस है ही इज वर्किंग हार्ड वह कठिन परिश्रम कर रहा है लेस्ट कहीं ऐसा न हो अब जब लेस्ट का प्रयोग होता है तो जो भी सब्जेक्ट हम यूज करेंगे उसके साथ शुट का प्रयोग होगा ही इज वर्किंग हार्ड लेस्ट ही शुड फेल तो सही सेंटेंस होगा ही इज वर्किंग हार्ड लेस्ट ही शुड फेल कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स नीचे वर्ड्स हैं इसकी स्पेलिंग पूरी करनी है पहला होगा एस ई आई जी ई साइज दूसरा हो जाएगा ट्वेल्थ टी डब्ल्यू ई एल ई टी एच ट्वेल्थ नेक्स्ट पंक्चुएट करना है आई कैपिटल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे आई मे बी स्लो इन्वर्टेड कोमा क्लोज सेड द टोट कछुए ने कहा बट आई कैन विन द रेस यानी कि दो बातें कही हैं दोनों को इन्वर्टेड कोमा में और सेड द टो ये फुल स्टॉप के यानी कि दोनों जो इस, इस, रिपोर्टेड स्पीच हैं इट मे बी स्लो इन्वर्टेड कोमा, बट आई कैन विन द रेस इन्वर्टेड कोमा में लिखी जाएगी ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन टू इंग्लिश इस पर महान है सिंपल प्रेजेंट है गॉड इज ग्रेट वह सर्वव्यापी है ही इज ओमनी प्रजेंस स्टूडेंट सर्वव्यापी ओमनी प्रजेंस सर्व ज्ञाता पोटेंस ओमनी सर्वशक्तिशाली पोटेंस और सर्व ज्ञाता, ओमनिशियंट तीन वर्ड होते हैं ओमनिपोटेंस सर्वशक्तिशाली ज्ञाता, सर्वज्ञाता ओमनिप्रजेंस सर्वव्यापी सर्व वह न्यायी है ही इज जस्ट वह दयालु है ही इज काइंड वह सर्वशक्तिमान ही है ही इज ओमनी पॉटेंट उसने हमारे लिए चांद बनाया है तो क्रिएशन करता है इस पर सृष्टि की रचना करते हैं ही क्रिएटेड ही हैज क्रिएटेड प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे ही हैज क्रिएटेड द मून फॉर us, उसने सूर्य बनाया है ही हैज क्रिएटेड द सन फॉर us. यहाँ पर फोरस नहीं है तो ही हैज क्रिएटेड द सन आदमी घर बनाता है मैन प्रेजेंट है बिल्ड्स बनाने के लिए बिल्ड्स आएगी बिल्ड्स होम आदमी ने कंप्यूटर तथा परमाणु बम बनाया है मैन हैज इन्वेंटेड कंप्यूटर एंड परमाणु बम एटम बम परंतु आदमी एक भी फूल नहीं बना सकता बट मैन कैन नॉट क्रिएट एनी फ्लावर रचना करना है आएगा क्रिएट एनी फ्लावर हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए बी शुड अब ये मॉरल ड्यूटी है ओट टू का प्रयोग करेंगे बी ओट टू वर्शिप टू गॉड मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ आई वर्शिप टू हिम एच कैपिटल लिखेंगे क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए आया है नेक्स्ट राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए बैन रोकने के लिए लाउड स्पीकर तेज ध्वनि वाले यंत्रों को ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान दूसरा दिया हुआ है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अपने मित्र को एक पत्र लिखिए टेलिंग हिम बताते हुए अबाउट योर स्कूल अपने विद्यालय के बारे में गिव रीजन फॉर योर लाइकिंग और डिसलाइकिंग अपने स्कूल की लाइक और डिसलाइक के बारे में भी लिखिए रोल नंबर और नेम शुड नॉट बी रिटर्न ऐसे आपको दिए हैं माई फादर जो टॉपिक दिए हैं इन पर लिखना है इंट्रोडक्शन हिज ड्रेस बिहेवियर हिज क्वालिटी हिज डेली लाइफ कंक्लूजन रेनी डे पर है ए जर्नी वाइट ट्रेन अब देखिए आप ये अनसीन पैसेज आपका सिक्स मार्क्स का आता है इसको ध्यान से समझेंगे यदि हमें इसका मीनिंग याद है सेंस याद है तो हम आसानी से क्वेश्चन पिक आउट कर सकते हैं लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज निम्नलिखित पैसेज को गद्यांश को केयरफुली पढ़िए सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन सेट देयर ओन उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए पंक्चुअलिटी इज द सोल ऑफ बिजनेस पंक्चुअलिटी समय पाबंद समयबद्ध होना समय पाबंद होना इज द सियोल आत्मा है और बिजनेस व्यापार की समय पाबंद होना व्यापार की आत्मा है इफ ए मैन ओपन्स हिज शॉप लेटर देन द अपॉइंटेड टाइम यदि कोई व्यक्ति अपनी दुकान को खोलता है लेटर बाद में अपॉइंटेड टाइम निश्चित समय के यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित समय के बाद अपनी दुकान को खोलता है हिज कस्टमर बिलगो उसके ग्राहक चले जाएंगे टू अदर शॉप दूसरी दुकान पर टू मेक परचेजेज खरीदारी के लिए उसके ग्राहक दूसरी दुकान पर खरीदारी के लिए चले जाएंगे सो ऑल्सो बहने ट्रेडर्स कम्स टू रेलवे स्टेशन यदि कोई व्यापारी रेलवे स्टेशन पर आता है ओनली ए फ्यू मिनट्स केवल कुछ मिनट पहले डिपार्चर ऑफ द ट्रेन रेलगाड़ी के जाने के इन बिच ही मर्चेंडाइज इज टू बी बुग्ड जब उसका व्यापार होना हो ही केजेज मच इन इनकन्वाइंस व अत्यधिक असुविधा उत्पन्न करता है नॉट ओनली टू हिमसेल्फ न केवल अपने आप के लिए बट ऑल्सो टू अदर पर्सन दूसरे व्यक्तियों को भी विद होम ही हैज टू डील जिसके साथ उसे व्यापार करना होता है यदि कोई व्यापारी केवल कुछ मिनट पहले ही ट्रेन के प्रस्थान से पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है बिजनेस के लिए तो वो न केवल अपने लिए असुविधा उत्पन्न करता है बल्कि दूसरे व्यक्तियों को भी असुविधा देता है जिसके साथ उसे बिजनेस करना होता है सिमिलरली ठीक उसी प्रकार इफ ए स्कूल बॉय यदि एक स्कूल का बालक कम्स टू स्कूल लेट यदि विद्यालय लेट आता है ही मिसेज हिज लेसन मिसेज करता है छोड़ देता है हिज लेसन अपने पार्ट फॉर द टाइम बींग दिए गए समय पर इफ ही गोज ऑन यदि ऐसा चलता रहता है इंडजिंग लिप्त रहना एल साइलेंट है इंडजिंग लिफ्ट लिप्त रहना इन यदि वह इसी प्रकार की देरी से जाने की आदत में लिप्त रहता है ही बिकम्स अनसक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन और वह परीक्षा में असफल हो जाता है एट द एंड ऑफ ईयर वर्ष के अंत में और वो वर्ष के अंत में अपने एग्जाम में परीक्षा में असफल हो जाता है इट इज़ देअर फॉर इसलिए जस्टली सैड इसलिए ठीक ही कहा गया है मोस्ट ऑफ द फेलियर इन द एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेजेंट डे परीक्षाओं में अत्यधिक असफलता का जो कारण है ड्यू टू वांट ऑफ हैबिट पंक्चुअलिटी पंक्चुअलिटी समय पाबंद की आदत का की कमी है वांट कमी इन अवर बॉय इन अवर बॉयज़ हमारे लड़कों में यानी कि जो लड़के हैं उनमें समय पाबंद न होना ये बड़ी कमी है तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों क्वेश्चन को देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया है होम डज ए बिजनेस मैन हु नॉट पंक्चुअल केज इनकन्वाइंस टू होम मीस किसको एक बिजनेसमैन जो पंक्चुअल नहीं होता है वो किसको उत्पन्न करता है असुविधा इसका आंसर मिलेगा ही केजेस मच इनकन्वाइनस नॉट ओनली हिमसेल्फ यानी केवल अपने आप को असुविधा उत्पन्न करता है बट आल्सो टू अदर पर्सन दूसरे व्यक्तियों को भी असुविधा उत्पन्न करता है whom he has to deal जिसके साथ उसे

जो वर्तमान समय में है बांट ऑफ हैबिट ऑफ पंक्चुअलिटी इन अवर वॉइज लड़कों में समय पाबंद होने की आदत का की कमी का है तो स्टूडेंट्स इस प्रकार पैसेज आई हैव सॉल्व इन दिस वीडियो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू विल स्टडी प्रॉपरली इन योर फॉर योर एग्जाम्स Thanks student, best of luck.